ASSOCHAM, or Associated Chambers of Commerce and Industry of India, recently organized a day-long national summit on research in higher education in the country, followed by the coveted Education Excellence Awards. Hello and welcome to the show. Today on the show, we will bring you face-to-face, not just with the eminent panelists and winners of the award, but also Minister of State for HRD, Dr. Ram Shankar Kataria, who spoke with us about government's broad vision to strengthen the overall education system of the country. Sir, Bharat, दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है सरकार का क्या ब्रॉड विजन है क्या प्लान है इसे और सुदृढ़ और स्ट्रेंथन करने के लिए देखिए भारत निश्चित रूप से हम जहां शुरुआत करते हैं अपने ज्ञान की बात विज्ञान की बात करें तत्सला नालंदा से हम शुरुआत करें तो हमारे देश में किसी प्रकार से कोई न ज्ञान की कमी है न विज्ञान की कमी है न किसी तरह की कमी नहीं है न इच्छा शक्ति की कमी है मैं मानता हूं कि अभी भी दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में जब बात आती है तो हम कहीं ना कहीं भी पिछड़े हैं हमारी इच्छा शक्ति और हमें मोटिवेट और ज़्यादा करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी हमारे इस दिशा में जो देश को एक मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं निश्चित रूप से एक विश्वास के साथ और एक इच्छा शक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम दुनिया के चाहे जितने यूनिवर्सिटी आगे हों लेकिन हम सबसे ऊपर खड़े होंगे सर और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी नए खोलने का प्लान है नए आईटीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारा ये मानना है कि रिसर्च के क्षेत्र में हमारी सरकार हमारे मिनिस्ट्री पूरा ये ध्यान दे रही है एक अच्छे टीचर देश में खड़े हों इस दिशा में और रिसर्च के क्षेत्र में हम कहीं दुनिया में पीछे ना रहें उनके संसाधनों की भर हम कहाँ से पूर्ति कर सकते हैं अच्छे स्कॉलर हमारे पास हैं लेकिन हम इसको बढ़ावा देने के लिए जो जो संसाधन आवश्यक होंगे उसके लिए हम पूरी तरह से चाहे हमें हम प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें बाहर से भी किसी को बुलाना होगा तो उनको भी बुलाऊंगा लेकिन हम सेल्फ डिपेंड हमारा भारत खड़ा हो और वो तभी होगा जब हम रिसर्च के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे सर और जो साक्षरता की दर है वो भी काफ़ी 2002 से 2014 के बीच बढ़ गई है और अब इसको लेकिन अभी भी सारे युवकों तक नहीं पहुँची है पूरे देश में ये बात ठीक है कि हमारा रूरल जो एजुकेशन है और विशेष रूप से जो वनवासी क्षेत्र है कुछ आदिवासी क्षेत्र है वहाँ का परसेंटेज बहुत कम है ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ये हमारा परसेंटेज कैसे बढ़े और जो ड्रॉप स्टूडेंट करते हैं बहुत बड़ी संख्या में उनको रोकने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कम से कम ग्रेजुएशन तक हर एक छात्र पढ़े और वो ग्रेजुएशन तक पूरी करें और सर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप आप उसको किस नज़र से देखते हैं नहीं देखिए प्राइवेट क्षेत्र में हमारी एजुकेशन को एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट देश में खड़े हुए हैं उन पर हमें गर्व है और उनको किसी तरह हम डिमोलाइज नहीं कर रहे हैं हम उन्हें प्रोत्साहन करेंगे और कहीं किसी तरह कमियां हैं मान लो कोई बिजनेस के रूप में यदि चला रहा है और उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उनसे आग्रह करेंगे वो देश के हित में काम करें ये हमारा आग्रह रहेगा Thanks for talking to us, sir. Thank you, sir. Now I'm joined by Dr. Madhumita Chatterji, Director, IFIM Business School. Ma'am, your college won the award for Best Institution for Promoting Industry-Academia Interface. First of all, how does it feel? Oh, it feels great because this has been our dream that being a management institution, you cannot be a standalone academic institution. So we've always wanted to connect back to the industry. So we are today talking about research. So how do we get this connect with the academia and the industry? And we have a number of, what shall I say, programs that actually connects this. So one of them is we have a 4.5 month internship, right. And which is, I think, very unique to an MBA institution, and that comes right at the end of our education. So you learn all the concepts, then right. You go to the industry, but that's a monitored project. It's part of the academics. Right. It is not just, a backdoor entry to a job. It's about learning to implement your concepts. That right. is one of them. We also have a mentoring program with the industry. So there are industry people who mentor our students, and the students have a free heyday with them. They discuss everything they want to with them. Right. So that's another way of interacting. We also have, a kind of a mock GDPI session that we start right from the beginning that the student comes in. Right. So he gets comfortable about what the industry is all about. And other than that, the regular ones, the industry visits and the guest talks and right. Mandatory guest lectures are there from the industry in every course. Every faculty has to ensure that they get the
best people in. Right. One of the criticisms of the education system has been the fact that people often say that there is a gap between what a student studies in schools and colleges and what he or she is expected to do at the workplace. And so do you believe that winning this award highlight to us, tell us exactly how, this could help a student in becoming a better professional tomorrow? Yeah, certainly. See, it is all about how you implement your concepts. See, we cannot say theory is not important and practice is only important, because it's a symbiotic relationship. A lot of times theory comes out of practice. Many a times theory actually builds the practice. So if this symbiosis is not there, then how do we expect the industry to do well or the students to enjoy their learning? I mean, at the end of the day, why are you doing this? You want to implement it. You want to see it through. So that's the reason we want to bring this symbiosis. There are also places where we have met the industry telling us we actually don't know what to do beyond this. So can we discuss it with the academia? And that's where the cases develop. That's where they interact with our faculty. And we come up from the academic angle. I think this is what needs to be done. And then they'll tell us this is feasible and this is not feasible. And that's the beauty of it,